हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में मैं बताऊं कि दोस्तों भर्ती चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इनका जो कल स्कोर कार्ड है दोस्तों 26 जुलाई को यहाँ पर जारी किया गया था। जो जारी करने के पश्चात दोस्तों बहुत से आवेदक के कमेंट थे और सभी आवेदक का जो स्कोर कार्ड था वो सही नहीं था, गलत बता रहा था, ठीक है ना। दूसरी बात है किसी किसी का सोई नहीं हो रहा था, मतलब नो, ठीक है, स्कोर कार्ड कोई स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा था वहां पर। तो दोस्तों कल बहुत से आवेदकों ने शिकायत भी की आईटी सेल पे, ठीक है ना। तो उनके पास बहुत सारी शिकायतें ही पहुंची थी और कल हमने बात भी की थी तो उन्होंने बताया कि हम आज दिनांक को यहाँ पे 27 को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ पे अपडेट हो चुका। अब आप लोग लॉग इन करके देख लें और आपका स्कोर कार्ड वहां पर सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जिन आवेदकों को दोस्तों आज दिनांक तक भी नहीं दिखता है मान लो, तो वो आवेदक ऐसे आवेदक दोस्तों यहाँ पे आपत्ति दर्ज यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। कल हमने जो बताया था वो अपडेट हमारा 68 था यहाँ पर आवेदक का, और आज जो अपडेट चेक करा तो 80 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अपडेट यहाँ पे कर दिया गया है अंक अनुसार, ठीक है। तो चलिए पोर्टल पे आप देख लेते हैं एक बार हम चेक करके। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं पोर्टल पर और आपका जो फाइनली जो स्कोर है वो दोस्तों यहाँ पर सही दिखाने लगा इन आवेदक का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दोस्तों इनने मतलब मेल भी किया था इन्होंने, ठीक है ना। वो मेल बताता हूँ कौन से इन्होंने मेल किया था, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लें। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोग अभी भी सही नहीं है तो आप लोगों को दोस्तों इस तरह की शिकायत करनी है, बता देता हूँ मैं। दोस्तों इन्होंने जो आईटी सेल को मेल किया था वो इस तरह का मैसेज था, ये लिखकर भेजा था कि हमारा ये प्रॉब्लम है, मतलब इनका जनरेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह का उनका अपडेट यहाँ हो गया। अब आपको क्या शिकायत करनी देख लो यहाँ। देखिए दोस्तों ये रहेगी शिकायत, जिन आवेदकों का अभी भी स्कोर जारी नहीं हो रहा है अपडेट सही जो उनका हो रहा आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो आवेदक दोस्तों इस तरह की शिकायत भेज सकते हैं आप आईटी सेल पर, ठीक है ना। इस तरह का लिख सकते हैं भाई आपके केस में क्या है, ये ईमेल आईडी इस पे आप लोग भेजते हैं और आपका इसको निकलेगा दोस्त इस तरह निकलेगा, मतलब आपका जो प्रतिशत है डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका रहेगा उसमें आपको 0.7 तो आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका जाएगा स्कोर प्लस आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है जो भी है अनक्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पे ऐड करके स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके दोस्तों थैंक्स।